हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है। सो ये जो भी फैसिलिटीज है इसको मैंने 5-6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और ये वीडियो में आपको मैं वो सब कैटेगरीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नवोदय विद्यालय में जो भी फैसिलिटीज मिलती है उसको मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है एजुकेशन फैसिलिटीज, सेकंड है हॉस्टल फैसिलिटीज, थर्ड है फूड और मेस फैसिलिटीज, फोर्थ है को करिकुलर एक्टिविटीज, फिफ्थ है स्काउटिंग एंड गाइडिंग NCC एंड NSS, और सिक्स्थ है सिक्योरिटी। सो आगे मैं आपको वन बाय वन एक एक फैसिलिटीज का आपको पूरा डिटेल्स में आपको ब्रीफ करूंगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन फैसिलिटीज। हर एक नवोदय विद्यालय में आपको एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है और वहाँ के जो एकेडमिक ब्लॉक्स है वहाँ पे लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर सेंटर्स, कन्वेंशन हॉल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ आपको फ्री में बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, पेन है, पेंसिल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाई के रिलेटेड जो आपको वहाँ पे फ्री में मिलती है। और वहाँ पे एक लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ होती है जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के रिलेटेड या कुछ भी अपने बुक्स पढ़ना है तो वहाँ से इशू करके अपने फ्री में पढ़ सकता है। नवोदय विद्यालय में आपको पढ़ाई नहीं, इसके साथ साथ आपको म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स एंड पेंटिंग्स है, इसके बारे में भी आपको चीज़ें प्रोवाइड किए जाता है और इसके बारे में आपको स्टडी भी कराया जाता है। नवोदय विद्यालय में आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाया जाता है। और अगर यही कॉन्सेप्ट को हम लोग डीप में समझे तो 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है और एक रीजनल लैंग्वेज है। ये जो रीजनल लैंग्वेज है वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है और वो स्टेट वाइज डिसाइड किया जाता है। नवोदय विद्यालय में आपको 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। और अगर हम बात करें 6 to 8 स्टैंडर्ड तक तो वहाँ पे आपको दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। और आफ्टर 10th आपको है ना एक स्ट्रीम सिलेक्ट करना होता है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, वो तीनों में से आपको एक कोई चूज़ करना रहता है। कोई भी नवोदय विद्यालय आपको 2 स्ट्रीम्स प्रोवाइड करती है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फॉर द 11th एंड 12th क्लास। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो सबके दिमाग में ये आता है कि वहाँ पे नवोदय विद्यालय में जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो फ्री है या नहीं। तो मैं आपका डाउट सबका क्लियर कर दूँ कि वहाँ पे जो भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं है हॉस्टल में रहने का। नवोदय विद्यालय में टोटल 12 हॉस्टल्स होती है, 4 हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए और 8 हॉस्टल्स बॉयज़ के लिए। यहाँ पे मेनली जो 12 हॉस्टल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए, 4 हॉस्टल्स जूनियर बॉयज़ के लिए और 4 हॉस्टल्स सीनियर बॉयज़ के लिए। यहाँ पे तीनों कैटेगरीज में 4-4 हॉस्टल बिल्डिंग होती है और चारों बिल्डिंग का नाम रहता है उदयगिरी, नीलगिरी, शिवालिक और अरावली। सो वहाँ पे हर एक हॉस्टल में 48 स्टूडेंट्स रह सकते हैं और एक हॉस्टल में 2 डोम्स रहता है, एक डोम में 24 स्टूडेंट्स, दूसरे डोम में 24 स्टूडेंट्स, ऐसे मिलके 48 स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में रह सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर थर्ड पॉइंट, फूड और मेस फैसिलिटीज़। सो एजुकेशन और हॉस्टल फैसिलिटीज़ की तरह फूड और मेस फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक मेस रहता है जहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को खाना प्रोवाइड किया जाता है। नवोदय विद्यालय में आपको 3 टाइम खाना दिया जाता है, सुबह ब्रेकफास्ट रहता है 7 बजे, लंच होता है 1 बजे और डिनर रहता है रात के 8 बजे। और इसके साथ साथ आपको दिन में 2 बार आपको स्नैक्स और फ्रूट भी प्रोवाइड किया जाता है। नवोदय विद्यालय में इसके अलावा एक कैंटीन फैसिलिटीज़ भी रहती है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से जो भी कुछ खाना चाहे या फिर कुछ लेना है तो वहाँ से कैंटीन से आप ले सकते हैं। सो मेरा मानना ऐसा है कि नवोदय विद्यालय में खाने के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और एकदम घर जैसा ही मिलता है। मेरा फोर्थ पॉइंट है को करिकुलर एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी चीज़ें हैं जो नवोदय विद्यालय को अदर स्कूल से अलग बनाती है। इतना तो आप सबको पता है कि आजकल खाली पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलने वाला है। जब तक स्टूडेंट्स की पर्सनालिटीज़ डेवलप नहीं होती, स्टूडेंट्स जब तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेगा, उनको एक आर्टिस्टिक अप्रोच नहीं मिलेगा, तब तक बुक्स नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है। तो यही सब चीज़ों का नवोदय में बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय में जो भी फेस्टिवल्स होता है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और नवोदय विद्यालय में जो भी डेली जो प्रेयर असेंबली होती है वहाँ पे स्टूडेंट्स को कंपलसरी रहता है कि स्पीच है, थॉट्स है, न्यूज़ है,
वो प्रस्तुत करे ताकि जो भी स्टूडेंट्स का उनका जो स्टेज फियर रहता है वो निकल जाए। नवोदय विद्यालय इसमें कल्चरल प्रोग्राम के लिए या तो फिर स्टूडेंट्स का कुछ भी एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे उनको एमपी वॉल प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा नवोदय में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आर्ट एंड पेंटिंग है, फिर म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, इन सब के लिए वहाँ पे अलग अलग टीचर्स अलॉट किए जाते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो स्टूडेंट्स को वहाँ पर फ्री में स्पोर्ट्स किट इशू की जाती है, अवेलेबल की जाती है। और कोई बच्चा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उनको फ्री इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और कोई बच्चा अगर फॉर एग्जांपल की पेंटिंग उनको अच्छा लगता है तो उनको पेंटिंग का जो भी मटेरियल होता है वो सब फ्री में प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चों का स्किल्स डेवलप हो। इसके अलावा नवोदय विद्यालय में सबसे मेन चीज़ है कि नवोदय में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डांस के लिए है, ड्रामा है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, लिटरेचर फेस्टिवल वो लोग अरेंज करते हैं। और हर एक ईयर में वो लोग क्लस्टर, रीजनल और नेशनल लेवल की बड़ी कंपटीशन रखते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट्स अपने स्किल्स के हिसाब से आगे बढ़ पाए। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, एनसीसी एंड एनएसएस। नवोदय विद्यालय एक रिकॉग्नाइज है बीएसजी से, भारत स्काउट एंड गाइड से, जो हर एक नवोदय विद्यालय में स्काउट एंड गाइड्स की एक्टिविटीज़ कराती है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्काउट एंड गाइड्स के रिलेटेड जो इंटरेस्ट है, अपनी स्किल्स है वो उसमें डेवलप कर पाए। और इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं स्काउट्स और गाइड में। मैंने खुद ने भी इसमें स्काउट्स में एक अच्छा लेवल क्रैक किया हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट का अपना जो स्किल्स रहता है स्काउट गाइड्स में, एडवेंचर है, तो वो इसमें डेवलप कर पाए, इसके लिए ये पूरी एक्टिविटीज़ नवोदय विद्यालय कराती है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय में एनसीसी और एनएसएस की भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है उनको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयर विंग में जाना है, तो वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है बाय वॉलेंटियर, और उनको फुल्ली ट्रेन किया जाता है और वो स्टूडेंट्स अपने स्किल्स और उनके हिसाब से उसमें आगे बढ़ सकता है। सो ये सब डिटेल्स था स्काउट गाइड और एनसीसी एनएसएस के लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर 6 पॉइंट, सिक्योरिटी। नवोदय विद्यालय में जब स्टूडेंट्स क्लास 6 में एडमिशन लेता है तब उनकी एज होती है 10 से 12 साल या तो फिर 13 साल। सो इतना छोटा बच्चा जब ये स्कूल में एडमिशन लेता है तो उनके पेरेंट्स को टेंशन रहता है कि नवोदय में क्या सिक्योरिटीज़ होती होगी और क्या मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ है या नहीं है। सो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय का जो कैंपस है वो 25 से 30 एकड़ का कैंपस रहता है, और एक ही कैंपस के अंदर एकेडमिक बिल्डिंग रहता है, हॉस्टल बिल्डिंग रहता है, प्लेग्राउंड रहता है, टीचर्स क्वार्टर रहता है, मेस रहता है, वो पूरा वन बाउंड्री के अंदर ही कवर रहता है। और नवोदय विद्यालयों में जो भी स्टूडेंट्स रहता है उनके गार्जियन की परमिशन के बिना उनको कैंपस से बाहर नहीं भेजा जाता या तो जाने देते हैं। और कैंपस के आउटसाइडर जो होते हैं उनको भी नवोदय विद्यालयों में विदाउट परमिशन किसी को आने नहीं देते हैं। इसके अलावा नवोदय विद्यालय में जो हॉस्टल्स होती है उसमें हर एक हॉस्टल्स में दो दो हाउस मास्टर्स रहते हैं जो उनकी टेक केयर 24 आवर्स करते हैं। इसके अलावा जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें अलग से एक गर्ल्स वार्डन प्रोवाइड किया जाता है जो गर्ल्स की सिक्योरिटी रखे, उनका ध्यान रखे। और सिक्योरिटी के मामले में नवोदय विद्यालय काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये सब कैटेगरीज़ में दो तीन चीज़ें जो छूट रही है उसको मैं कवर करूँगा। नवोदय विद्यालय में फ्री बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो स्टूडेंट्स को छोटा मोटा बुखार हो गया, फिर वॉमिटिंग हो गई, तो उसके लिए नवोदय फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करता है। और स्टूडेंट्स का जो डेली यूज़ आइटम है, फॉर एग्जांपल सोप है, हेयर ऑयल है, ब्रश है, टॉवेल है, बेडशीट है, ये सब डेली यूज़ आइटम नवोदय आपको फ्री में प्रोवाइड करती है। और नवोदय विद्यालय में जो स्कूल ड्रेस रहता है, स्पोर्ट्स वेयर रहता है, जो स्वेटर्स रहता है, ब्लेजर्स रहता है, साल में आपको दो जोड़ी जूते प्रोवाइड करता है, ये सब भी आपको फ्री में प्रोवाइड करती है। ये सारी फैसिलिटीज आपको नवोदय विद्यालय में मिलती है। और मेरा ये जेएनवी सीरीज बनाने का एक ही रीजन था, बिकॉज ऑफ कि मैं खुद ऐसे नवोदय में पढ़ा हूँ, नवोदय विद्यालय में मैंने मेरा स्कूलिंग कम्प्लीट किया है, और ये जो भी फैसिलिटीज है वो मैंने खुद ने यूज की हुई है। सो आई थॉट कि जिनको ये विद्यालय के बारे में नहीं पता है उन तक मेरा वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाए, और जो भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को ये विद्यालय में उनको स्टडी कराए। सो यही मेरा थॉट था, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना,
और इसके बारे में आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी एक बार कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट।